क्या सुंबल तौकीर खान होने वाली है कुंडली भाग्य की नई लीड एक्ट्रेस? क्या लीव के बाद कर देगी सुंबल श्रद्धा आर्या को रिप्लेस? क्या है इस वायरल न्यूज के पीछे की पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में बहुत ही जल्दी काफी लंबे समय का लीप आने वाला है, जिसके बाद श्रद्धा आर्या की बेटी शो की नई लीड होने वाली है, जिसके चलते शो के नई लीड्स के लिए दो बड़े एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे, जिसमें देवोत्तमा साह और सृष्टि जैन का नाम शामिल था। लेकिन अब शो के लिए एक और बड़ी एक्ट्रेस का नाम सामने आ गया है और वो है सुंबल तौकीर खान। सुंबल तौकीर खान की एक्टिंग स्किल्स को तो आपने स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो इमली में देखा ही होगा। इस शो में उन्होंने एज ए इमली मेन लीड की प्रमुख भूमिका निभाई थी और इस शो में उनकी जोड़ी फैमान खान के साथ लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी और हाल ही में ही वो बिग बॉस के सीजन 16 में एज ए कंटेस्टेंट नजर आ चुकी है। सीरियल इमली और बिग बॉस के चलते ही सुंबल तौकीर खान बहुत छोटी सी एज में काफी ज्यादा फेम पा चुकी है और जाहिर है कि कुंडली भाग्य के मेकर सुंबल तौकीर खान की इसी फेम के चलते उन्हें अपने शो के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि सुंबल तौकीर खान को कुंडली भाग्य के साथ ही साथ कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो नागिन के सीजन 7 और खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 के लिए भी अप्रोच किया गया है। हालांकि सुंबल तौकीर खान ने अभी तक इन तीनों शोज में से किसी एक के लिए भी कंफर्मेशन नहीं दी है। फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आप सुंबल तौकीर खान को कुंडली भाग्य में देखना चाहते हैं, नागिन के सीजन 7 में देखना चाहते हैं या फिर खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 में। आप सुंबल तौकीर खान को कौन से शो में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और टेलीविजन दुनिया की ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।